में सहयोगी और इसी के साथ साथ कार्तिक भी मौजूद है, तो पांचों राज्यों में एक राज्य का कल जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी जो चार राज्यों की तस्वीर साफ हुई है, बीजेपी गदगद है और कांग्रेस निराश नजर आ रही है। हालांकि कल के एग्जिट पोल में दो तीन राज्यों में कांग्रेस की बल्ले बल्ले दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एक तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाथ से चला गया कांग्रेस के, इसके अलावा राजस्थान भी हाथ से चला गया है और तेलंगाना में बस उम्मीद थी और उसी में मेरे ख्याल से वहां जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जितने भी राज्य हैं अब वहां से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, ये कहा जा सकता है कि पैकअप एक तरीके से बीजेपी ने कर दिया है। और अब ये कहा जा रहा है, अब देखिए पांचों के पांचों राज्यों में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर एक तरीके से चुनाव लड़ा। हालांकि ये कहा गया कि आप बीजेपी के सिंबल पर अपना वोट दीजिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सारी जनता ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को वोट दिया है। और जिसके बाद ये कहा जा रहा है, देखिए मोदी है तो मुमकिन है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी ट्वीट किया कि एक अकेला सब पर भारी। और ये आज के राजनीतिक पटल पर देखा जा रहा है सच भी है कि एक मोदी जो है वो सब पर भारी है। आप कहीं भी जाइए उनके नाम पर वोट मिल रहा है, पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। अमीन जी मैं गलत तो नहीं कह रही? नहीं नहीं एकदम सही है। और ये चीजें जब होता है तो ये चीजें हम तीनों इस चीज से गुजरे हुए हैं। आप कितने भी बड़े तेज हो, आप कितने भी बड़े काबिल आदमी हो, लेकिन जब आपका एग्जाम आता है या जब आपका वो चीज़ आती है कि जब आपका इम्तहान आता है आप उसमें फेल हो जाएं, तो फिर आपको छमाही तिमाही में फर्स्ट क्लास आने से क्या फ़ायदा। तो वैसे ही है, सभी कह रहे थे, आप कार्तिक आप भी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें तीन दिन पहले एग्जिट पोल में हर जगह सफाया था, तीन एक कांग्रेस कर रही थी और आज जो है कि बीजेपी तीन एक, एक, एक के बाद है। तो इस हिसाब से कहा जाए और अभी भी निर्विवाद रूप से आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ जो मोदी के टक्कर का हो सके। बिल्कुल, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ के जो नतीजे थे, एग्जिट पोल के जो नतीजे थे, उनमें साफ तौर पे कहा जा रहा था कि कांग्रेस ही जीतेगी, बीजेपी का तो कोई महाअस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि 15 साल जो रमन सिंह ने राज किया उसकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि उसे 15 साल ही खत्म होने वाले हैं। रमन सिंह भी सुबह निराश दिखाई दे रहे थे, उनके भी चेहरे पर, क्योंकि एग्जिट पोल में जो है साफ तौर पर भूपेश बघेल की सरकार को रिपीट दिखा दिया गया था। वहीं मध्य प्रदेश में भी यही कहा गया कि जो 18 साल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज किया है उनकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी है, बहुत ज्यादा है, बीजेपी एक दशक तो आ ही नहीं पाएगी। लेकिन देखिए अब क्या है, 166 प्लस सीटें क्रॉस कर चुकी है बीजेपी और मतलब बम्पर प्रचंड बहुमत। कांग्रेस किसी भी राज्य में जो है वो टक्कर में ही नहीं है। आपने प्रदेश अध्यक्ष बदल लिया, आपने जो है हर तरीके के जो है बड़ी जिम्मेदारियां दे दी। लेकिन हाँ, तेलंगाना में मैं जरूर जो है इस बात को कहना चाहूंगा, लेकिन वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन उस हिसाब से बहुत अच्छा है, अगर 7 से 8 बिल्कुल बिल्कुल उसी पे मैं आ रहा था कि एक सीट तेलंगाना में जो है बीजेपी के पास थी और आज बीजेपी 10 सीटों पे आगे चल रही है, 8-10 सीटों पे आगे चल रही है, तो वो भी किसी जीत से कम नहीं है। पांचों राज्यों में आप देखिए, चारों राज्यों में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो जबरदस्त प्रदर्शन है। पर जो है इस तरह से प्रदर्शन किया जाए, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। हां, तेलंगाना में जो प्रदर्शन किया है वो मुझे लगता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी बेहतर है। और जो कांग्रेस ये बात कहती रहती है, अमीन जी और कार्तिक आपने देखा होगा कि अरे बीजेपी के पास तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्हीं का चेहरा दिखाकर हमेशा वोट बटोरती है, तो मुझे लगता है फायदेमंद है काफी बीजेपी के लिए और वो जानती है ये रणनीति हो सकती है उनकी। और अगर जो रणनीति आपको फायदा पहुंचाए सियासत में उसी को अपनाना आपके लिए ठीक है। राखी, मुझे लगता है ना कांग्रेस रणनीति नहीं समझ पा रही है बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस जितना प्रधानमंत्री मोदी को गाली देती है, उलझलूल बयानबाजी करती है, गाली को गहना बनाकर पहन लेती है, गाली को गहना, वो स्मृति ईरानी ने भी आज कहा कि गाली को गहना बना लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस नहीं समझ पा रही कि प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति क्या है। जब अगर आपको लग रहा है आपका वोट छिटक रहा है, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी पर वार पलटवार तीखे हमले कर रहे हैं तो आप मत करिए, लेकिन वो और ज्यादा तीखे हो जाते हैं। और यही कारण मुझे लगता है कि अभी जो 4-5 दिनों परिप्रेक्ष्य जो राजनीति का बदला है, अभी जो क्रिकेट मैच हुआ था भारत और जो है उसका ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला जो हुआ था, उसमें पनौती शब्द जो गढ़ा गया था वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमीन सर गेम चेंजर साबित हुआ है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए वही जो है खतरनाक साबित हुआ है। कर रहा है एक बार फिर से, और मुझे लगता है कि वो भी सच है कि मोदी है तो मुमकिन है एक अकेला सब पर भारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ताकत को भी दिखा दिया है कि भाजपा एकजुट होकर संगठित होकर लड़ती है और चाहे वो अपना सीएम फेस कोई ना बनाए, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि इस बात से बेहद नुकसान बीजेपी को हो सकता है कि आप किसी भी राज्य में सीएम फेस को लेकर रिवील नहीं कर रहे हैं, चीजें बता नहीं रहे हैं कि कौन सा सीएम फेस होगा, बीजेपी में फूट है। ये कहा जा रहा था राजस्थान में कि देखिए राजे अपनी रोटी छीनना चाहती हैं और बीजेपी उनको सीएम नहीं बनाना चाहती, लेकिन ये इन सब चीजों से इतर जनता ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने पर
अपील करने पर और उनकी बातों पर विश्वास करके वोट। ये जो कह रहे थे ना कार्तिक, कह रहे थे ना, मैं उसी और आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है। स्टेज पे जयपुर में जिस तरह से राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया कि वसुंधरा से बात नहीं की हो, इसी तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, क्या कहते हैं कि भोपाल रैली में प्रधानमंत्री ने, लेकिन किसी ने जो है अपने नेता या अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अगर यही कांग्रेस में होता तो कितने बयान की झड़ी लग जाती, ये भी इफेक्ट करता है। पायलट और गहलोत के बीच क्या हुआ, यस देव सिंह और जो है भूपेश बघेल के बीच क्या हुआ, यहाँ मुझे ना लगता है अमीन सर कि मुझे यहाँ बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए इस मामले में कि अगर कार्यकर्ता चुप रहता है जो उसका सीनियर कहता है उसे मानता है। अंदरूनी जो कला होती है वो आपस में जो है टेबल पे बैठ के सुलझाते हैं, उस चीज को वो बाहर आने नहीं देते। हमने जैसे 4.5 साल में पिछले राजस्थान में 5 साल में देखा, जब गहलोत की और सचिन पायलट की जो लड़ाई थी उसमें प्रियंका गांधी आई सुलझाने के लिए, नहीं सुलझवा पाई। राहुल गांधी आए, नहीं सुलझ पाए। जब गांधी परिवार थक गया फिर हार कर उन्होंने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पे बात डाल दी कि आप देखिए। यही मामला हुआ भूपेश बघेल के साथ और टीएस देव सिंह के साथ, वहां भी जब गांधी परिवार फेल हो गया, आखिर के 6 महीने में भले ही टीएस सिंह देव को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन विवाद वहां भी रहा। तो यहां मैं आपका जो है दर्शकों का गौर इस बात पे जो है करना चाहूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को अलग कर दिया गया, हालांकि वो 18 साल से राज कर रहे थे, वहाँ सत्ता संभाल रहे थे, लेकिन चुनाव लड़ा गया मोदी के चेहरे पर, देखिए प्रचंड बहुमत मिला। ठीक वैसे ही राजस्थान में वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया पूरी तरीके से, तमाम खबरें ऐसी सामने आई, तमाम मीटिंगें हुई, लेकिन फिर भी राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिला। तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय जो छत्रप है उसका वोट बैंक, जाहिर सी बात है जब इतने साल उसने राज किया है तो उसका अपना पर्सनल वोट बैंक होगा कहीं ना कहीं पार्टी वाला कमान से अलग, लेकिन फिर भी आप राजस्थान में जीतते हैं, छत्तीसगढ़ में जीतते हैं और मध्य प्रदेश में जीतते हैं सिर्फ एक चेहरे की बदौलत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत। लेकिन अमित जी और कार्तिक, ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसी क्या खूबी है कि जनता उनसे हट ही नहीं पाती। आप देखिए उनको सुनने के लिए इतनी भीड़ आती है और जो भी वो बोलते हैं बहुत संयमित होकर जाते हैं। इस चुनाव प्रचार में वो बता दिया उन्होंने कि उनके अंदर वो क्या है, वो कहते हैं ना कि मोदी है गारंटी की भी गारंटी। नहीं, कई लोगों ने कहा कि उनके अंदर चुंबक है, वो जनता से मिलते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं। इस चुनाव प्रचार में नारा गढ़ा है ना, मोदी मतलब गारंटी की भी गारंटी। तो ये वाकई में जो है उन लोग मोदी ने सच करके दिखाया और जिस तरीके से जनता ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है अमीन जी, आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बोलते हैं तो लोग कितने संयमित होकर उनकी बातों को सुनते हैं। जहां भी वो जाते हैं, विदेशों में जाए वहां पर भारतीय प्रवासी है या फिर वो यहाँ पर हो, मोदी मोदी के जब नारे लगते हैं। अभी हाल ही में दुबई गए तो वहां नारे लग रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, दुबई में नारे लग रहे हैं। देखिए तो आप ये नहीं कह सकते सिर्फ देश में ही, ये कह सकते हैं कि भाई पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है और ये जलवा लगातार बरकरार रहेगा। और अब इनके इन चुनावों के बाद सभी को इंतजार रहेगा लोकसभा चुनाव का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए वहां भी क्या खेला करके दिखाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, जैसा कि कार्तिक ने कहा है कि भैया जीत की गारंटी है मोदी, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।